टॉप थ्री दुनिया के सबसे खतरनाक नदियाँ। दोस्तों, फैक्ट टेक वर्कर के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नदियों को जीप के लाइफ लाइन कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग पीने का पानी के लिए नदियों पर ही आश्रित रहते हैं और जानवरों को भी इन्हीं नदियों का सहारा है। लेकिन जब ये नदियाँ ही जान लेने पर आ जाए तो फिर भगवान ही बजाए। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं दुनिया की तीन सबसे खतरनाक नदियों के बारे में। नंबर वन, रियो टिंटो। स्पेन में बहने वाली खूनी लाल रंग की ये नदी ना सिर्फ देखने में बल्कि असल में भी बिल्कुल आकर्षक नहीं है। ये नदी सोने, चांदी और तांबे की खदानों के बीच से होते हुए बहती है और इसलिए इसमें धातु की मात्रा बहुत ज़्यादा है। रियो टिंटो में पानी नहीं बहता, ये तो एसिड है और 1.75 पीएच मात्रा वाला, जो किसी भी जीव के शरीर को आसानी से गला देने में सक्षम है। अब आप कहेंगे कि क्या ये नदी किसी को पसंद आ सकता है? क्यों नहीं, इस नदी में सिर्फ एक ही प्रकार के जीव रह सकता है, जो कि है बैक्टीरिया। और इसके किनारों पर जो जीव हमेशा मिल जाएंगे वो है वैज्ञानिक। तो दोस्तों, स्पेन के ये रियो टिंटो नदी के लिए एक लाइक तो बनता है यार। नंबर टू, अमेज़न रिवर, दुनिया की सबसे बड़े नदी। दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी घने जंगलों के बीच से बहती है, जहां ना जाने कितने ऐसे जीव रहते हैं जिनसे आज भी हम अनजान हैं और जिन जीवों को हम जानते हैं वो कम खतरनाक थोड़ी है। अमेज़न नदी में आज तक के सबसे बड़े एनाकोंडा पाए गए हैं, जो हम ही इंसानों को जिंदा ही निगल सकते हैं, और खून की प्यासी विराहाना मछलियाँ भी बस आपका नदी में कूदने की इंतज़ार कर रही है। नंबर थ्री, रेड नदी। अब इस नदी को आप खूबसूरत कहें या डरावनी, अमेरिका में दक्षिण भाग में बहने वाली ये नदी अपनी मर्जी की मालिक है। मतलब इसका बहाव किस तरह और कितना तेज होगा ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए इस नदी के पानी में पैर डालने से पहले पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहाव तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन इस नदी में उठने वाले भंवर की चपेट में आने वाला व्यक्ति आज तक जिंदा नहीं लौटा। कहीं जगहों पर जहां पानी कम है वहां दलदली आंखें भी है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे तीन खतरनाक नदियां। आपको इनमें से कौन सी नदी खतरनाक और जानलेवा लगे? दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।